नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों आज मैं आपको इस पौधे से परिचित करा रहा हूं जिसे सामान्यतः अखनूर, गून, खनीर या पंगारा के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम एस्कुलस इंडिका है। यह नॉर्थ इंडिया का नेटिव पौधा है हिमालय रीजन का। इसे इंडियन हॉर्स चेस्टनट या हिमालयन हॉर्स चेस्टनट के नाम से भी जाना जाता है और साइंटिफिकली एस्कुलस इंडिका कहा जाता है। यह फैमिली सेपेंडेसी जिसे सोप नट फैमिली कहते हैं और उसका पौधा है। ये पौधा देखने में बहुत ही शानदार लगता है। इसकी लीव्स बड़ी शानदार है। फ्लावर देखिए आप, बहुत ही शानदार है। और इस फ्लावर का जो स्टॉक होता है 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें 300 तक फ्लावर्स हो सकते हैं छोटे छोटे। ये पौधा 900 से लेकर 3000 मीटर की ऊँचाई वाले हिमालयन रीजन में पाया जाता है। और इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो मई से जुलाई के मध्य होती है और इसके जो फल होते हैं वो पक करके अक्टूबर में तैयार हो जाते हैं। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इनकी ब्लॉसम बड़े ही शानदार लगते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसे उगाया जाता है क्योंकि इसकी कैनोपी बहुत ही शानदार होती है। और लीव्स आप देख सकते हैं, ये पामेटली कंपाउंड लीव्स हैं और मिडिल वाली जो लीफ है वो पिन्ना आप समझिए वो बड़ी है, बाकी किनारे पर थोड़ी थोड़ी छोटी है। और इस पौधे का उपयोग डिसेंट्री, ब्रोंकाइटिस, हिमोरवाइड्स और वीनस प्रॉब्लम के इलाज में पुरातन काल से होता आ रहा है। और इसके बीजों का थोड़ा स्वाद जो होता है कड़वा होता है, इसमें सैपोनिन प्रेजेंट होता है, बिटर टेस्ट होता है, लेकिन दलिया बनाने के लिए और एक टाइप का पोरीज होता है जो व्रत के दौरान फास्टिंग पीरियड के दौरान उपयोग में लाया जाता है। और दोस्तों इसकी अगर आप पत्तियाँ का केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें एस्किन, क्वेरेसिटीन और बीटा साइटोस्ट्रॉल होता है। इसके तने में रूटीन, एस्ट्रोगेलिन, एस्कुलिन होता है और बीज जो होता है उसमें एस्किन, एस्कुलोसाइट्स ए एंड बी और एलिफैटिक स्टर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस पौधे जिसको एस्कुलस इंडिका, इंडियन हॉर्स चेस्टनट या हिमालयन हॉर्स चेस्टनट के नाम से जाना जाता है, इसे परिचित कराने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपके लिए ये जानकारी रोचक लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा।